Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. And it's Thursday, गुरुवार है, बृहस्पतिवार है और गुरुवार के दिन गुरु जी से बात करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। एंड इसी के दिन हमारे साथ जो जुड़ते हैं वास्तु की दुनिया में जो गुरु है और गुरु माई के नाम के जानते हैं, बिकॉज शी हैज ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन कम्स टू वास्तु अथॉरिटी इन वास्तु, एंड चाहे घर का वास्तु हो या बिजनेस का वास्तु हो, शी इज बिन हेल्पिंग hundreds of thousands of individuals all over the world. That's none other than Dr. Rewa Kumar, Vastu Shastra expert and a consultant. Welcome to Divine Vastu Talk with Dr. Rewa Kumar on Radio Zingi. Didi, namaskar, Jai Mata Di. जय माता दी संजीव और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत धन्यवाद, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए संजीव। माफी चाहती हूँ कि लास्ट वीक हम अब नहीं जुड़ पाए अपने लिसनर्स के साथ में, व्यूअर्स के साथ में, उनको भी बहुत इंतजार था, लेकिन आज बिल्कुल आपके साथ में हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि हमेशा की तरह आज का भी जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी आपके सवाल है संजीव जी करते हैं, आपके सवालों को लेके संजीव आते हैं, जो भी उनका टॉपिक होगा, जो जिसका भी जवाब होगा, यही उम्मीद रखती हूँ कि आज का भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जी दीदी, लास्ट वीक तो नहीं हो सका, टेक्निकल डिफिकल्टी या जो भी परेशानी बीच में आ गई थी, नहीं हो सका, तो आज तो हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी ये जो अधिक मास जो चल रहा है, अधिक मास जो है वो आई थिंक 15th के आसपास फिनिश हो रहा है, 15 या 16th, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, 16th को अधिक मास संपूर्ण हो रहा है और उसके बाद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो मैं हमारे लिसनर्स को ये बता दूं कि रेवा जी जो है उन्होंने, बिकॉज रेवा जी जो है वो खुद माता रानी की इतनी पूजा करते हैं, तो रेवा जी ने नवरात्र के 9 दिनों को लेके हर एक दिन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हर एक दिन को क्यों फॉलो करना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बात 9 दिन के लिए बताएंगे रेवा जी राइट हियर ऑन रेडियो सिंगी। दिस विल बी अ वेरी स्पिरिचुअल ट्रीट फॉर रेडियो सिंगी लिसनर्स। और नवरात्रि में तो सब लोग श्रद्धा करते हैं, माता जी का नाम लेते हैं, ईश्वर में जो आस्था होती है उसको फॉलो करते हैं, सो दैट विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग नवरात्रि। दीदी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एक आधा दिन मिस हो गए आप बिल्कुल चिंता मत करें, यू नो जब नवरात्र शुरू होगी तो 9 दिनों में आपसे हम इतना ज्ञान पाएंगे, इतनी जानकारी पाएंगे, और ये वास्तु से रिलेटेड नहीं होगी, ये नवरात्रि से रिलेटेड होगी और वास्तु वहीं पे कहां कहां कैसे फॉलो करना चाहिए ये सब बातें होगी। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड दैट विल बी हैपनिंग आई गेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नवरात्र व्हिच इज परहैप्स ऑन 17th राइट? जी हाँ बिल्कुल, अक्टूबर 17 से है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तु है, वास्तु के मुताबिक पूजा कैसे करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये जो 9 दिन है ये स्पिरिचुअली भी, साइंटिफिकली भी, और कैसे हमारी लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि रिलीजन बेस्ड फास्टिंग है, क्यों है, क्या हमारे को इससे फायदा होता है, क्यों ये 9 दिन हमारी लाइफ में क्या ट्रांसिट लेकर आते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस की तरफ जब हमारी लाइफ को जरूरी हो। तो आप ये देख लीजिए, अगर हम अपने इस एम को अचीव कर लेते हैं, ट्रेवल अपना जो हमारा है फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस जो हमारे में ट्रांजिट आता है, यकीन रखिए व्यूअर्स, यकीन रखिए लिसनर्स, आप देखिए कि आप हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अपने आप से पा लेंगे, क्योंकि भगवान ने एक चीज दी हुई है, हर प्रॉब्लम तभी देता है जब उसका सलूशन होता है, अगर सलूशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल, और फिर आई एम पॉसिबल,
इम्पॉसिबल को भूल जाइए, हमेशा रखिए आई एम पॉसिबल, नेवर से इम्पॉसिबल। सो यही फंडा अगर आपकी जिंदगी का है तो कोई हमारे को कहीं हम नहीं चूक सकते। लेकिन ये जो नौ रातें हैं, नवरात्रि है, ये साइंटिफिकली स्पिरिचुअली हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसके लिए हम जरूर बात करेंगे। और शुक्रिया अदा करती हूँ रेडियो जिंदगी का जो उन्होंने मुझे मौका देंगे इस समय अपने सभी व्यूअर्स के साथ जुड़ने का। जी बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में। अब आते हैं हमारे वास्तु के टॉपिक पे, जो हर गुरुवार को हम डिस्कस करते हैं हमारी ये डिवाइन वास्तु टॉक शो में। अच्छा दीदी, 2 हफ्ते पहले, लास्ट वीक हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उसके 1 हफ्ते पहले जो बात हुई थी वो बिजनेस को लेके बात हुई थी, एंड स्पेशली IT कंपनी की। अगर आपका IT का बिजनेस है तो वास्तु के लिए कौन सी डायरेक्शन आपको ठीक है और क्या क्या समझना चाहिए, ये सब बातें बताई थी। तभी मैंने आपसे कहा था कि दीदी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो उनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, सच एज कन्वीनियंस स्टोर्स एंड गैस स्टेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, तो वो भी है। तो थोड़ा थोड़ा उस बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज एक बिजनेस जो है विच इज गैस स्टेशंस, और बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में जो हमारे हैं फ्रेंड्स एंड लिसनर्स, दे आर इनटू गैस स्टेशन बिजनेस। तो वास्तु एंड गैस स्टेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हम सबको बताइए, समझाइए, ताकि उसको फॉलो करने से प्रॉस्पेरिटी आए, सक्सेस आए बिजनेस में। बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया संजीव जी आपने, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑल अराउंड मोस्टली जो लोग हैं वो या तो होटल्स मोटल्स के साथ में जुड़े हुए हैं या गैस स्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस लाइन को अगर मैं देख के चलती हूँ। अब कोई भी बिजनेस हम करें, किसी भी बिजनेस में नेचुरली आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है और वो आपको ग्रो करना, उस बिजनेस से पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि बिजनेस उसी को ही हम ग्रोथ कहते हैं, उसी को ही हम सक्सेसफुल बिजनेस कहते हैं, जब एक बिजनेस चल रहा हो और तो उसी के साथ हम दूसरा बनाए, मतलब कि जैसे चेन बने, अगर वो चेन बनती जा रही है तभी हम उसको कहते हैं कि वो बिजनेस सक्सेस है। तो अगर एक भी पहला गैस स्टेशन है या आपका ऑलरेडी है, अगर पहला है ठीक चल रहा था लेकिन किसी कारणवश आपने एक और भी गैस स्टेशन बनाया तो वो आपका रुक गया, तो इन सब चीजों को लेते हुए जरूर मैं आज मैं बताऊंगी कि एज वास्तु प्रिंसिपल्स हम गैस स्टेशन का क्या सेटअप करें। और इसके साथ एक छोटी सी केस हिस्ट्री होगी जिसको आप समझ कर सकेंगे कि क्या डिफेक्ट होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। वैसे तो जो प्रिंसिपल्स हमारे हम लोग घर के लिए या जैसे कि IT कंपनी के बारे बात कर रहे थे, उसी तरह ही सेम प्रिंसिपल्स वास्तु के भी गैस स्टेशन पे आते हैं। लेकिन संजीव, गैस स्टेशन पे बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग टैंक, मतलब कि जो जमीन में टैंक होते हैं जिसमें हमारे को स्टोरेज करनी होती है, उसकी पोजिशन कहाँ है। तो सेम जैसे कि स्विमिंग पूल के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्विमिंग पूल जब बना रहे हैं तो आप जमीन में बना रहे हैं, आपको जमीन को खोद रहे हैं, तो जिसकी हम डायरेक्शन बताते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। उसी तरह से अगर भी कभी भी गैस स्टेशन के लिए जो हमारे को पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, जो भी स्टोरेज करना होता है, तो वो आपको एक नीचे टैंक, एक रूम बनाना होता है, और उसके लिए सबसे अच्छी जगह वही होती है जैसे स्विमिंग पूल की है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। क्योंकि अगर वहां पर आपका टैंक होगा तो आपकी सेल, आपकी बिजनेस बहुत ग्रो करेगी। अगर आप इसका फ्लिप कर लेते हैं, अगर आपका साउथ वेस्ट में टैंक होता है तो वो बिजनेस हमेशा डूबते हैं, वो बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होगा, उस गैस स्टेशन में प्रॉब्लम रहेगी। या अगर हमारा साउथ ईस्ट में होगा तो वहां पे रॉबरी, डकैती, चोरी इतनी ज्यादा होगी कि गोलीबाजी भी, जैसे कि बहुत ज्यादा आम पाया जाता है, कहते हैं कि गैस स्टेशन पे आए, लूट कर ले गए, गोली चल गया, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अभी मैं फेसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ कि जो हम स्टोरेज करते हैं, तो इट हैज टू बी ऑलवेज इन अ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। दूसरा, क्योंकि अगर वहां पे जब आपने टैंक स्टोरेज किया तो जो भी व्हीकल्स आ रही हैं वो वहां पे परमानेंट खड़ी नहीं हो रही, जिससे नॉर्थ भारी नहीं होगा, नॉर्थ आपका ओपन होगा, नॉर्थ आपका खुला होगा। अगर वही हमारा अगर साउथ वेस्ट में होगा तो क्या हो जाएगा कि हमारा बिजनेस तो ग्रो नहीं करेगा, उससे आपको सिर्फ यही फायदा होगा कि अगर गाड़ी आ नहीं रही है, रुक नहीं रही है, लेकिन वो खाली जगह पड़ जाएगी। और अगर हमारा साउथ ईस्ट होगा तो वहां पे गैस स्टेशन में चोरी का, जैसे कि मैंने बताया, आग लगने का, इन सब चीजों का डर रहता है।
रिसेंटली मैंने गैस स्टेशन पे, दो तीन गैस स्टेशन पे कंटिन्यूसली बैक टू फोर्थ मैंने विजिट किया कैलिफोर्निया में भी, और उसमें भी मैंने देखा कि गैस स्टेशन जो था साउथ वेस्ट फेसिंग था, और उन्होंने साउथ वेस्ट की तरफ उन्होंने नीचे लगाया हुआ था, टैंक को लगाया हुआ था। अब नेचुरली काफी बहुत बड़ा था, साउथ वेस्ट में होने से नॉर्थ ईस्ट की तरफ में उन्होंने अपना मैकेनिक का भी सारा सिस्टम रखा हुआ था कि जैसे अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है तो उसका था। अब नॉर्थ ईस्ट में इतनी खुली जगह थी, ये ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में गाड़ियां खराब हो रही हैं, पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, तो इससे क्या हो गया था, नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया था और साउथ वेस्ट में नीचे टैंक था वो खाली हो रहा था। और जो ऑनर थे स्टोर के, गैस स्टेशन के ऑनर थे, उन्होंने अपना एक साउथ ईस्ट की तरफ में उन्होंने अपना काउंटर लगाया हुआ था जहां पर वो लोग कैश वगैरह या जो भी गैस लेते थे उसकी सारी ट्रांजेक्शन, अलॉन्ग विद छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि फूड स्पॉट भी था, कि जो आपको कहते हैं कि जंक फूड है या ड्राई फूड है वो भी निकाला जाता था। पर्टिकुलर उस जगह को वो गैस स्टेशन उन्होंने बहुत सस्ते में लिया, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि जो प्रीवियस ऑनर थे व्हाट वाज द रीजन। उन्होंने एक साल के अंदर अंदर में उनको दो बार उनके यहाँ पे चोरी हुई, डिफॉल्टी हुई, तो ही वॉज वेरी अपसेट एंड ही कॉल्ड मी कि ये कि पहला जो गैस स्टेशन मैंने उनका सेटअप किया था सैक्रामेंटो में दैट वाज डूइंग सो गुड, लेकिन इस गैस स्टेशन को ने इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। वही हुआ जब देखा कि वहां पर साउथ वेस्ट के अंदर में उन्होंने टैंक डाला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को इतना हैवी कर दिया, क्योंकि अगर आप अंदर की वर्कशॉप बनाएंगे या मैकेनिज्म का तो रखेंगे तो नेचुरली आपको बड़ी से बड़ी मशीनरी रखनी पड़ेगी, हैवी मशीनरी रखेंगे, उससे क्या हो रहा था कि नॉर्थ ईस्ट उनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। और नॉर्थ वेस्ट में ऑलरेडी क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्टेशन या कम्यूट करने के जैसे कि गाड़ी का काम है, कार का काम है, ट्रक्स है, कुछ भी है, ये आपके एयर एलिमेंट से रिलेटेड है और इनकी पोजीशन होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। अगर गाड़ी आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ खड़ी है, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका मैकेनिक का काम है तो इट मीन्स कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, वो गाड़ियां खड़ी नहीं रहेंगी, लोग आएंगे, ठीक कराएंगे, ले जाएंगे, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करता रहे। तो मैंने उनको ये देखा तो आई वॉज रियली शॉक कि ऑलरेडी पूरा का पूरा ही नॉर्थ ईस्ट उन्होंने इतना हैवी करके ब्लॉक किया हुआ था जिसकी वजह से उस पर प्रॉब्लम आ रही थी। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि इससे पहले जो प्रीवियस ऑनर थे पर्टिकुलर इस गैस स्टेशन को हर एक साल के बाद में ये गैस स्टेशन बिक रहा था, क्योंकि जो भी ऑनर उसमें था वहां उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मिल रही थी। तब मैंने उसको सेटअप करने के लिए, क्योंकि दैट वाज नॉट इजी कि अब वो साउथ वेस्ट में टैंक है, उस टैंक को कैसे निकालें, क्योंकि कोई छोटा घर वाला काम तो है नहीं कि चलिए जी आप इसको बंद कर दीजिए स्विमिंग पूल को या कैसे कर दें। वहां पर मैंने उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा था, एक तो मैंने कि जो कस्टमर्स थे कस्टमर की एंट्रेंस मैंने पर्टिकुलर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर को वहां पे गेट लगवा दिया कि इसको बंद करके लेट द कस्टमर कम इन, अगर उनको अपना कुछ सामान खरीदना है या स्वाइप करना है या गाड़ी के लिए ऑनर से बात करनी है, लेट देम कम फ्रॉम साउथ, साउथ डायरेक्शन से आए, जो कि पूरी 180 डिग्री को टच करती थी। इसके साथ ही अब जो साउथ वेस्ट का मेन जहां पे डिफेक्ट था उसका कि स्टोरेज की जो गैस स्टोरेज थी, पेट्रोल डीजल सब था, वो सबसे ज्यादा हमें नुकसान दे रहा था। वहां पर मैं उस प्रोडक्ट को लेकर आई जो कि मेरी स्पेशलिटी है, दैट इज अ पिरामिडोलॉजी। पिरामिडोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स कि जो इजिप्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि एनर्जी को शिफ्ट करता है जहां हम लोग रेनोवेशन या रिमॉडलिंग नहीं कर सकते। साइंटिफिकली द पिरामिड इज जस्ट लाइक दिस, आप कभी भी देखेंगे जो इसकी ये शेप है, इसके नीचे एक जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लैट इस प्लेटफॉर्म के नीचे से है वो हमारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। तो वहां पर उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने साउथ वेस्ट से मैंने डायरेक्ट उसको शिफ्ट करके लेकर गई मैं नॉर्थ की तरफ में। अब नॉर्थ ईस्ट जब इसकी एनर्जी तो मैंने शिफ्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को जो कि बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, चारों तरफ से वो बंद था, और वहां पर जो मैकेनिक का काम हो रहा था, बड़ी बड़ी मशीनरी थी, उनको भी हटाना बहुत जरूरी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे इंस्टॉल थी और उसको वो सीलिंग के साथ इंस्टॉल थी। और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को ताकि वो मशीनरी सही ठीक रहे, क्योंकि मशीनरी बार बार खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब खराब होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने पर्टिकुलर उस डायरेक्शन की भी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए मैंने जितना भी ज्यादा हो सकता था उसका हाफ पोर्शन, जैसे कि हमने उसको डिवाइड कर दिया, वो रेक्टेंगुलर शेप में था,
जहां पर मशीनरीज थी उसको मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ करके बीच में एक पार्टीशन सा दे दिया हमने, ताकि नॉर्थ की एनर्जी जो है वो ग्रो करे, और जान पार्टीशन करने से जो उसका पर्टिकुलर एरिया था मशीनरी का उसको हमने नॉर्थ वेस्ट की तरफ एलिवेशंस दे दिए उसके। इससे क्या हुआ, एक तो कि जो गाड़ियां आ रही थी वो ठीक चलनी शुरू हो गई, कि लोग आ रहे हैं ठीक करा के लेके जा रहे हैं, पेमेंट सारी क्राइम्स आ रही हैं, पेमेंट्स ब्लॉक नहीं हो रही थी। अलोंग विद दैट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बाहर भी साइड में पूरा टायर्स के साथ में ब्लैक कलर के टायर्स के साथ में पूरा हैवी करके रखा हुआ था, एंड दैट इज फॉर दैट पर्पज कि जिनको टायर्स खरीदने हैं या चेंज करने हैं या कुछ है, उसको सिर्फ मैंने वहां से जरूर शिफ्ट कर रहा कि उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले गई एयर एलिमेंट को इनहेंस करने के लिए, क्योंकि ब्लैक कलर कभी भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। सिंपल रेमेडीज के साथ में, लेकिन पिरामिडोलॉजी को प्लस अलोंग विद द कॉपर वायर, क्योंकि उसको लगा के और एक नॉर्थ की वॉल को इनहेंस करने के लिए जरूर मैंने एडवाइस किया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वॉल थी, पर्टिकुलर वॉल को कलर के साथ में अलोंग विद दैट बिग मिरर हमने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। फिजिकली चेंज सिर्फ मैंने एक ही चीज का लिया, और वो था डेस्क का, कि जो ऑनर थे उनका डेस्क वहां से चेंज कर दिया गया, क्योंकि साउथ ईस्ट इज अ फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट क्या करता है, आपको कॉप्स को, पुलिस को, ब्लड लॉस को, इन चीजों को लेकर आता है। सिर्फ फिजिकली एक ही चेंज किया गया उनका, वो था उनका डेस्क, उसको साउथ ईस्ट से निकाल के उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दिया, और जो उनका कैश रजिस्टर था उसको इस पोजीशन में लोकेट किया, क्योंकि ऑलरेडी साउथ एंट्रेंस थी तो वो बहुत इजी भी हो गया था कि वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, लेकिन जो कैश रजिस्टर है वाइल ओपनिंग इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से उस मनी को अट्रैक्ट करके उस मैग्नेटिक पावर को लेकर आना है। एक ये ऐसी मैग्नेटिक पावर होती है नॉर्थ की कि अगर हम सही इसको बैलेंस करते हैं तो ये पर्टिकुलर उस एनर्जी को खींच कर अपने पास लेकर आती है। सिंपल वे से करने से आप मानिए कि विद इन फ्यू डेज, विद इन 3 वीक्स आई हैव सीन कि वही गैस स्टेशन जहां इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी वही सारा ठीक हो गया, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड गैस स्टेशन। तो कहने का ये मतलब है कि हर चीज जहां पे भी हमारे को ग्रोथ चाहिए होती है, अगर हम उस एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस करते हैं या हम उससे जुड़े जो एलिमेंट्स हैं उनको अपनी सही जगह पे लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ये बिजनेस चेंज ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है। अरे वाह, क्या बात है! थैंक यू सो वेरी मच दीदी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये जो केस हिस्ट्री, जो केस स्टोरी कहते हैं, या टेस्टामेंट जो कहते हैं, वो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही बात लिसनर्स को बताना चाहता हूँ, रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, या तो जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट पेज पे लाइव देख रहे हैं, कि वास्तु से काफी सारी ये जो है आपकी परेशानियां दूर हो सकती है। आज बिजनेस का टॉपिक है तो बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सक्सेस मिल सकती है। एंड इट्स ऑल यू नो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एडजस्टिंग एनर्जीज, यू नो, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और जिस तरह से आप पिरामिडोलॉजी को जो फॉलो करते हो, आई हैव सीन यू डूइंग दैट, एंड दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। दैट रिक्वायर्स नो रीमॉडलिंग, रेनोवेशन, कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देर इज नो लिसनर्स, देर इज अ सर्टन वे दैट रिवाजी एडजस्ट दिस एनर्जीज थ्रू पिरामिड्स, एंड शी इंस्टॉल्स अ पिरामिड्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, चाहे वो आपके घर के लिए हो या तो बिजनेस के लिए हो। अच्छा दीदी, तो इस बात को मैं थोड़ा सा समझूं कि अगर आपका गैस स्टेशन हो तो गैस स्टेशन में जो गैस स्टोरेज की जो टैंक्स होती है, जो अंडरग्राउंड टैंक्स होती है, वो अगर मैं आपकी बात समझा तो वो साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट? जी नहीं, वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, बिकॉज 2 वीक पहले जब हम आईटी की बात कर रहे थे तो आपने स्पेसिफिकली बताया था कि आईटी बिजनेस वालों के लिए उनका सर्वर साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए साउथ सर्वर, ईस्ट में। क्योंकि वो फायर है साउथ ईस्ट में, क्योंकि सर्वर फायर से रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो फायर जेनरेट करता है, तो उसकी पोजीशन साउथ ईस्ट में है। गैस स्टोरेज हमारे को नीचे अंडरग्राउंड टैंक में करना है, जब अंडरग्राउंड टैंक करेंगे तो वो हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट होना चाहिए। गुड, वेरी गुड, ओके। सो आपने इस बात को, मतलब मैं कंफ्यूज था तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, ताकि हमारे जो लिसनर्स है वो भी समझ सके, अगर उन्होंने आईटी का वो शो मिस किया था या तो गैस स्टेशन का शो सुन रहे, तो नाउ वी नो कि कहाँ पे गैस टैंक होनी चाहिए और कहाँ पे आईटी के लिए सर्वर होना चाहिए। और जी, दिल्ली जाने से पहले, बिल्कुल। हाँ
बोलो जी सर, क्योंकि बिकॉज दीज आर द कीज, इनके बिना कुछ नहीं है. अगर बिना गैस स्टेशन की स्टोरेज के तो आप गैस स्टेशन रन नहीं कर सकते हैं. तो बिल्कुल दिस इज ऑल्सो ए हार्ट ऑफ एनी बिजनेस. तो उसकी जगह कहाँ है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट. उसी तरह से आईटी वालों का बिना सर्वर के बिजनेस नहीं चलता. उनकी पोजिशन कहाँ है? साउथ ईस्ट. हर बिजनेस की, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हर बिजनेस का कैश रजिस्टर को फॉर अ टाइम बी फॉरगेट इट, वो तो जरूरी है ही है. लेकिन हर बिजनेस की एक अपनी हार्ट होता है, एक अपनी की होती है, बिना उसके नहीं है. अगर पर्टिकुलर वो डायरेक्शन आपकी सही जगह पे है तो यकीन रखिए आपका बिजनेस कभी नहीं फेल हो सकता. अगर आप चलिए कोई बिल्कुल राइटिंग वर्क वाला देख लीजिए, पंडित जी को ही देख लीजिए, किसी पूजा पाठ वाले को ही देख लीजिए, उनकी की क्या है? उस पूजा पाठ पूजा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं हमारे भगवान की मूर्ति तो चाहिए ही चाहिए ना. चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, उनको एक बैठने की जगह तो चाहिए, मंदिर में, चाहे वो आप कह सकते हैं मस्जिद में अगर कोई होंगे, या कभी चर्च में चले जाइए प्लीज में. सो एवरी स्पेस इज हैविंग. उसी तरह से हर बिजनेस की एक अपनी की है, हर घर को चलाने के लिए एक अपनी पर्टिकुलर जगह है जिसपे फोकस करना बहुत जरूरी है. जी बिल्कुल। और नेक्स्ट वीक हमारे डिवाइन वास्तु टॉक में एक और बिजनेस को पिक करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब गैस स्टेशन की बात हुई, गाड़ी की बात हुई, तो ऑब्वियसली यू नो जब गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट्स की बात भी आती है। तो ऐसी कोई टिप है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स यू नो व्हेन यू ड्राइविंग ऑन द रोड इन रश आवर इन डिफिकल्ट रोड कंडीशंस? तो ऐसी कोई वास्तु की टिप है और कोई ऐसी टिप है जिससे एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सकते हो? जी बिल्कुल संजीव, क्यों नहीं है. एक्सीडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है पहले तो अपने मेंटली स्टेट से, अपने आप से प्रिकॉशंस लें. आई अवॉइड फोन, ये ऑल सब चीजें. ड्राइव सेफली, बहुत कंसेंट्रेट करके ड्राइव करना चाहिए. अब हम इसे कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? कई बार होता है कि हम ले रहे हैं प्रिकॉशंस तो पीछे से आकर कोई हिट कर देता है, कई बार होता है कि हमसे भी गलती हो जाती है. इन चीजों को भी छोड़िए, कभी कभी आप खुद ही अपनी गाड़ी अपने गैराज से बाहर निकाल रहे हैं तो हिट कर जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है. पहले तो कभी भी आप एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं या गाड़ी को जैसे मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले आप ड्राइव करने लगे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसको पहले हमेशा गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाइए, फिर गाड़ी को हमेशा रिवर्स करिए. कभी भी सीधा गाड़ी रिवर्स नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या किसी और तरह के नुकसान से बचने के लिए. गाड़ी को जब भी चलाएं सबसे पहले अपने घर पे या अपने गैराज पे आधा सेकंड, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आगे करिए, फिर उसको आप रिवर्स करिए. सेकेंडली, व्हाइल पार्किंग योर कार इट हैज टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ. गाड़ी जब भी आप पार्क करें वो नॉर्थ की तरफ फेस होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से ही आपको एनर्जी मिलेगी, एक पावर मिलेगी, प्रॉपर थॉट्स मिलेंगे, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी. और आपके बीच में कहते हैं ना कि एक अलर्ट रहने की जो एक पावर होती है, भावना होती है, वो क्रिएट करती है. कभी भी आप साउथ की, जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ आपने गाड़ी फेस करी है, आपने थोड़ा सा आगे करके गाड़ी पीछे किया है, तो इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी नॉर्थ की एनर्जी को ले लिया है. थर्ड, आपको प्रिकॉशंस के लिए कि गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है कि गाड़ी हम किस डायरेक्शन में पार्क करते हैं. अगर हमारा गैराज नॉर्थ ईस्ट में आता है, गाड़ी अंदर होती है, तो वहां पर गाड़ी का कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है, ब्लड लॉस का होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आपको भारी नहीं करना. नॉर्थ ईस्ट को जितना भी लाइट हो सके आप लाइट रखिए, उसको हैवी मत करिए. इसके साथ साथ में कभी भी गाड़ी अगर आप देखें कि बीम्स के नीचे खड़ी हुई है, तो वहां पे भी या तो गाड़ी बहुत खराब हो जाएगी, या गाड़ी अपने आप चलते चलते लगा देगा कोई, या कोई आपकी गाड़ी पार्क में पार्किंग में खड़ी है तो कोई ना कोई ठोक जाएगा. ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स एंड द ज्योतिष साइंस, हम ये भी जरूर देखते हैं कि किस कलर की गाड़ी आपको सूट करती है, कौन से रंग की गाड़ी है जो आपको फायदा देती है. ये इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली डिपेंडिंग अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर बर्थ चार्ट, इसके ऊपर से ये बात होती है कि कौन से कलर की गाड़ी आपको सूट करती है, कौन से कलर की गाड़ी आपको चलानी चाहिए. एनीवे लिसनर्स, ये सब बातें जो अभी हुई है और इससे भी ज्यादा कोई भी जानकारी आपको जाननी है तो डॉक्टर रिवा कुमार का कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो 5108683338. दैट्स 5108683338
3338. हर वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com. जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट वास्तु, चाहे वो घर के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए हो. worldofdivinevastu.com, दैट्स हर वेबसाइट. एंड शी कैन बी रीच एट 510-868-3338. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव एंड कंसल्टेशन ओवर द फोन, थ्रू स्काइप, थ्रू जूम, एनीथिंग इज पॉसिबल एंड शी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. बट जैसे ही हम अपने फेस्टिव सीजन में एंटर होने वाले, अभी नवरात्रि होंगे शुरू, नवरात्रि के बाद हमारी दिवाली आएगी, नया वर्ष शुरू होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वास्तु को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा जानिए और उसको फॉलो कीजिएगा. एंड देन यू सी कि हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स विथ इन योर फैमिली मेम्बर्स, फॉर योर सेल्फ, यू नो, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, एंड देन फॉर एवरीबडी एल्स इन द फैमिली, इट डज मेक ए डिफरेंस. दीदी, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू संजीव, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू लिसनर्स, जय माता दी. एंड नेक्स्ट वीक के लिए मैं कोई सब्जेक्ट ले आऊंगा, और जैसा आज अपने गेस्ट स्टेशन के बारे में आपने समझाया, नेक्स्ट वीक के लिए कोई और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारे जो लिसनर्स है जो अलग अलग बिजनेसेस में हो, उनको कुछ जानकारी मिले और उनका भी कुछ फायदा हो. थैंक यू संजीव. Thank you, Eva ji. Thank you so very much. You do take care of yourself. It is now 4:00. I'm here in the studio of Radio Zindagi. And with that note, we come to an end of the Divine Vastu Talk Show right here on Radio Zindagi. Remember, every Thursday, 3:30 to 4 p.m., Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar, only on Radio Zindagi. Hi, Munir. Is you're liking Radio Life with the principles of Vastu Shastra. And make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav.